आ रही है भाई, पानी बहुत ही धीरे आ रहा है यार। इस कार से इसके ढक्कन को खोलते हैं, यहाँ पे निकल कर भाई साहब, चिट मैन बहुत ही गंदी हो चुकी है। हेलो गाइस, वेलकम टू द वाटर एक्सपर्ट चैनल। और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक एक्वागार्ड का आइनोवा। इसमें प्रॉब्लम जो आ रही है भाई, पानी बहुत ही धीरे आ रहा है यार इसका पानी, तो इसको हम चेक करने वाले हैं कि क्या प्रॉब्लम है, फिल्टर्स का इशू है या कोई और प्रॉब्लम है। तो प्लग निकालते हैं और आइनोवा को नीचे उतारते हैं। बहुत ही सिंपल है, पानी की सप्लाई वगैरह सब बंद कर लेनी चाहिए प्रॉपर, नीचे ध्यान से रखना चाहिए क्योंकि इसके नीचे कनेक्टर है, कनेक्टर कई बार टूट जाता है। तो बड़े प्यार से इसके ढक्कन को खोलते हैं। यहाँ पे एक पुश बटन टाइप होता है, उसको दबाओगे तो ये ढक्कन खुल जाएगा। ढक्कन पूरा लॉक्ड है, वो अनलॉक कर लीजिए, निकल जाता है। इसका स्पैनर की हेल्प से इसके ऊपर के जो ढक्कन है फिल्टर्स के, वो खोल लेते हैं। और बहुत ही सिंपल है यार, कुछ भी इसमें मतलब कॉम्प्लिकेशन नहीं है। आप वीडियो को फॉलो करके आप इजीली खुद भी खोल कर चेंज कर सकते हो। तो अभी हम पहले कैंडल्स की पोजीशन देख लेते हैं कैसी है, जो इसके अंदर कैंडल्स लगी हुई हैं। तो ये कैंडल्स खोल दी हैं मैंने। ये पहला वाला जो ढक्कन खोल रहा हूँ, ये है सेडिमेंटेशन वाला कैंडल, यानी इसको हम 9 इंची कैंडल भी बोलते हैं। और ये निकल कर भाई साहब, चिट मैन बहुत ही गंदी हो चुकी है। ये बहुत ज़्यादा मिट्टी है, देख रहे हो आप इस पर। दूसरी वाली खोलते हैं, दूसरी वाली की पोजीशन देखते हैं क्या है। वो है हमारी कार्बन ब्लॉक, यानी जिसके अंदर पानी की स्मेलरिंग, कलरिंग, ऑर्डरिंग ये सब क्लीन होता है। और ये भी काफ़ी डर्टी हो रही है। तो जो रीज़न समझ में आता है वो यही है कि जो फिल्टर्स की वजह से प्रॉब्लम हो सकती है। तो अभी हम इसके अंदर देखते हैं। ओ माय गॉड, बहुत ही ज़्यादा डर्टी हो चुका है और बहुत टाइम से मुझे लगता है फिल्टर्स रिप्लेस नहीं हुए हैं इसके। तो अभी हम इसके फिल्टर्स को रिप्लेस करेंगे और फिर पता लगेगा क्या प्रॉब्लम है। कपड़ा डाल के मैं पहले एक बार क्लीन कर लेता हूँ उसका, और इसको एक बार अच्छे से खंगाल लेते हैं, पानी से वॉश कर लो। वॉश जब करें थोड़ा सावधानी से करें क्योंकि पीसीबी में पानी जा सकता है। तो ये दो फिल्टर्स इसके अंदर यूज़ कर रहे हैं, और ये दोनों फिल्टर अगर आप चाहें तो मंगा सकते हैं, मैं नीचे लिंक दे दूंगा। आई प्रेफर कि आप ओरिजिनल एक्वागार्ड वाली ब्रांड के यूज़ करें, क्योंकि डुप्लीकेट वाले जो होते हैं उसमें प्रॉब्लम्स आती है, प्रॉपर फिटिंग नहीं हो पाती है उनकी। तो इसलिए आई विल रिकमेंड यू कि मेरे भाइयों इस वाले को यूज़ करो, और थोड़ा सा ही कॉस्ट का डिफरेंस पड़ता है। ओरिजिनल फिल्टर सम अराउंड 1000 से 1100 रुपए के आते हैं, और लोकल वाले 500-600 रुपए के आते हैं। तो अभी हम इसको खोलते हैं, और ये हमने कार्बन ब्लॉक भी खोल लिया, और कार्बन ब्लॉक को भी वॉश कर लेते हैं। वॉश करना इसलिए ज़रूरी रहता है कि कुछ केमिकल वगैरह जो होते हैं वो एक बार क्लीन अप हो जाते हैं, तो इसलिए वॉश करके हम एक बार इसको इंसर्ट करेंगे। तो फटाफट से कार्बन ब्लॉक को भी वॉश कर लेते हैं, और ये भी हमारा वॉश हो चुका है अच्छे से। पानी से एक बार धो लीजिए 2-3 मिनट लगा के दोनों फिल्टरों को। और ये रख दिए हमने दोनों वॉश करने के बाद। इसके बाद ये अंदर एक स्टिक रहती है जिसके ऊपर फिल्टर का सपोर्ट रहेगा, इसको भी साफ़ करके वापस लगा देते हैं। तो ये मैंने डंडी भी यहाँ इसकी लगा दी है, और ये दूसरे वाले की भी लगा दी है। तो प्रॉपर तरीके से मतलब पुश होल बना होता है, उसमें फिट हो जाती है। और ये ढक्कन है इसका, ढक्कन पे स्टिकर पे भी लिखा है, इधर सेडिमेंट और उधर कार्बन। तो कार्बन लगा दिया, अब हम सेडिमेंट लगा देते हैं। और बहुत ही ईजिली लॉक्ड हो जाता है, जब आप प्रेस करोगे तो लॉक्ड हो जाएगा। लोकल वाले में थोड़ी दिक्कत होती है क्योंकि नीचे उसके रिंग्स में प्रॉब्लम होती है, तो प्रॉपर फिट भी नहीं हो पाता उसके अंदर, जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स आती हैं। ढक्कन को वापस टाइट कर लेते हैं। ढक्कन वगैरह मतलब बहुत सिंपल है यार, कोई इतना हार्ड एंड फास्ट नहीं है इस वाले, मतलब प्यूरीफायर को आप खोलोगे तो बहुत इजीली हो जाएगा। तो ढक्कन भी वॉश कर लिया, और दूसरा वाला ढक्कन भी अब हम लगा लेते हैं। मेक श्योर कि ढक्कन जो आप लगा रहे हो उसको अच्छे से टाइट कर लो, अदरवाइज लीकेज का इशू रह सकता है, इसलिए प्रॉपर तरीके से टाइट कर लेना चाहिए। अगर आप लोगों के पास ये स्पैनर नहीं है या खो गया है, तो आप इसमें पेचकस, बीच में जो निशान है उसमें पेचकस या कुछ हैवी चीज़ लगा कर भी उससे प्लस बनाकर खोल सकते हो। बट आई रिकमेंड कि भाई
अगर ये है तो बहुत बढ़िया है। तो अब इसका ढक्कन वापस फिट करते हैं, लॉक जो लगाने हैं, और ये लगा दिया मैंने भाई, दबाते ही लॉक्ड हो जाएगा। वापस इसको ऊपर लगाते हैं, माउंट करते हैं। माउंट करने के बाद इसमें पानी का सप्लाई वगैरह ऑन करके चेक करते हैं। तो माउंटिंग हो चुकी है दोस्तों, और इसका मैंने टैप खोल दिया है पानी वाला, और पानी का टैप खोलने के बाद सप्लाई दे दी और प्लग ऑन किया और चालू करके चेक करते हैं। और ये रेड लाइट ब्लिंक हो गई। रेड लाइट जलने के बाद भाई साहब ये 60 सेकंड का टाइम लेगा, मतलब येलो पे आ जाएगा इंस्टेंटली, देन ग्रीन पे आने के लिए 60 सेकंड का टाइम लेता है। ये देखिए येलो आ चुकी है, और ये बटन है यहाँ पे फ्लो वाला और एक कंटिन्यू फ्लो वाला है। जब तक ये भाई रेड लाइट ब्लिंक, मतलब सॉरी, जब तक मशीन एक्टिवेट होती है, आगे जाती है, जब तक इसको क्लीन कर लेते हैं, जहाँ भी कोई गीलापन आया हुआ है मशीन में उसको साफ कर लेते हैं अच्छे से। ऑन करो। स्टार्टिंग में थोड़ा सा एयर आती है इसमें, क्योंकि पूरे फिल्टर जो चैम्बर है वो सारे खाली हुए हैं, तो एयर आती है, थोड़ी देर आएगी एयर, उसके बाद वो पानी प्रॉपर फ्लो में आने लग जाता है। और जब आप ये डालो तो करीबन 10 मिनट आप जो पानी आएगा उस पानी को वेस्ट कर दो, उस पानी को पीने के लिए यूज़ नहीं करना, क्योंकि वो फिल्टर का पहला पानी है और उसमें कार्बन वगैरह की मतलब प्रॉब्लम होती है, इसलिए उसको 10 मिनट फ्लश कर देना चाहिए। देखो बूंद बूंद आना स्टार्ट हो गई, एयर की वजह से थोड़ा पानी ले रहा है अभी, और अभी एयर निकल रही है बीच में इसके साथ। चलने दो चलने दो, थोड़ी देर और चलेगा भी यार, एयर बाहर आ जाएगी पूरी और फिर पानी एकदम फ्लो में आना स्टार्ट हो जाएगा। देखो पानी आने लग गया। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही था वीडियो में, होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टाटा बाय बाय।